देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट शख्सियत पे। ना जाने कितने अपराधियों को जेल भेजने वाले आज खुद जेल से रिहा हो चुके हैं। खुद को जबरिया रिटायर कहने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे शुरुआत से लेकर अभी तक के उनके सफर के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सर, अपराधी पकड़ना, आईपीएस बनना, उसके पहले की जिंदगी आपकी कैसी रही? क्या कुछ आपका प्रेरणा स्रोत रहा जिसकी वजह से अपने आईआईटी से पढ़ाई करी, फिर आपने आईपीएस का एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया? कैसी रही आपकी पूरी जर्नी? जी, देखा जाए, मैं मुख्य रूप से, जैसे कि हम से तमाम लोग हैं, मैं एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास का एक लड़का रहा हूँ जी। मेरे पिता इंजीनियर हैं, थे स्टील अथॉरिटी बोकारो में। मेरी माँ टीचर थी, हिंदी की टीचर थी। हम लोग एक औसत घर के रहने वाले थे। जैसा कि चूंकि बिहार यूपी में विशेष करके इन सर्विसेज का क्रेज होता है, तो मेरे घर वालों की भी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में आऊं। और ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि कोई अपने मन से आईपीएस नहीं बनना चाहता, सारे आईएएस के लिए ही कोशिश करते हैं। जिनका आईएएस में नहीं हो पाता है वो आईपीएस में चले जाते हैं, इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, तमाम सेवाओं में जाते हैं। तो मेरे घर वालों को भी था कि मैं एक आईएएस अफसर बनूँ, आईएएस अफसर बनूँ। मुझे भी वो सेवा अच्छी लगती थी। और उसी के लिए जब मैं आईआईटी में गया, तब भी मेरे मन में ये ललक रही, ये बात रही कि मैं आईएएस में आऊँ। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है उसमें बिहार के और यूपी के खास करके तमाम लोग जो हैं, उनमें बहुत हमारे यूपी कैडर में भी हैं और दूसरे जगहों पे हैं, तमाम लोग आईआईटी कानपुर से मैंने देखा कि आईएएस में, आईपीएस में और सेवाओं में आए। और वो भी एक बात थी कि वही मेरे जैसे, मैं जिस विंग में रहता था आईआईटी कानपुर में, हम अपने जो होता था उसको विंग बोलते थे, मेरे विंग में ज़्यादातर बंगाल के लोग थे। तो बंगाल में उस समय भी, आज से करीब मैं समझता हूँ 30 साल पहले भी, आईएएस आईपीएस का क्रेज बिल्कुल नहीं था जी। और लगभग जितने लड़के थे उनका क्रेज या तो था कि वो कैट दे के आईआईएम जाना चाहते थे, या विदेशों में चले जाना चाहते थे, एमबीए करना, मास्टर्स ऑफ साइंस में यूएस चला जाना, कोई जॉब करना, ये उनकी प्राथमिकता होती थी। लेकिन यूपी और बिहार, जो मेरे ख्याल से जिसको सभी लोग एक तरह से फ्यूडल सोच का एक गढ़ मानते हैं, उन गढ़ों में उस समय भी आईएएस आईपीएस की का क्रेज था। और जितना मैं जान और समझ पा रहा हूँ, आज 30-35 साल बाद भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो और कोई व्यक्ति ऐसा, आप हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने हालात से अलग नहीं हो पाता, अपनी परिस्थितियों का दास होता है। तो उन हालातों ने अन्य लोगों के साथ मुझे भी इस बात के लिए बाधित किया, मुझे इस ओर प्रेरित किया कि मैं इन सेवाओं में आऊँ। आईपीएस बनने के बाद की सफर की अगर करें, जब आप आईपीएस बन गए, आपकी पहली पोस्टिंग रही, उसके बाद से जबरिया रिटायरमेंट तक का सफर कैसा रहा? देखिए, मैं जो मेरी सेवा है उसको मैं अपने सोच भर, अपनी समझ में दो विशेष हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्सा मेरे शुरू की सेवा का था, जैसा मैंने कहा कि चूंकि मैं एक साधारण परिवार का था, मेरी सेवा में कोई ऐसा नहीं कि कोई लोग बहुत सारे इन सेवाओं में रहे हों, कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं था, तो मैंने इस तरह की सेवाओं को नहीं देखा था, जो कि एक तरह से कहने को भले वो सर्विस है, लेकिन ये मोर और लेस एक पॉलिटिकल ही इसका काम धाम है, पॉलिटिकल पूरा माहौल है इसका। तो शुरू में अपने, मैं समझता हूँ, पूर्वार्ध में, सेवा के पूर्वार्ध में मैं बहुत ही शांति के ढंग से और ही चला लगभग। यद्यपि कुछ जो 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 बुनियादी ट्रेट्स होते हैं इंसान के, जो बुनियादी फितरत होती है, वह तो निश्चित रूप से बीच बीच में झलक ही जाता था। और कुछ चीज़ों को लेके मैं काफ़ी पर्टिकुलर था। जैसे पहली बात, जो मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव की एक कुछ लोगों को अच्छाई लगती है, कुछ काफ़ी लोगों को बुराई लगती है, कि मैं भेदभाव को पसंद नहीं करता, मैं किसी तरह से नहीं करता, अन्याय को पसंद नहीं करता। इन दोनों बातों को लेके मेरे मन में उस समय भी बहुत ही तीव्र एक प्रकार का भाव रहता था। और मुझे लगता है कि मैं एक तरह से उन बदनसीबों में था जिनको सत्ताधारी पार्टी के लोग पसंद नहीं करते थे और विपक्ष के लोग पसंद करते थे। मैं जैसे जहाँ एसपी होता था, मुझे याद है कुछ जगहों पे, एक जगह पे मैं था देवरिया में, वहाँ पर मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, उस समय जो मौजूदा पार्टी पावर में है ये
और एक और पार्टी उसमें विपक्ष में थी, वो लोग कहते थे कि साहब जब हमारी सरकार बनेगी तब हम आपको अच्छी जगह ले जाएंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तब उनको मैं भारी पड़ने लगा, उनको जो है तब उन्होंने किसी और को खोजना शुरू कर दिया। तो मैंने यह देखा कि मुझे विपक्ष के लोग हमेशा पसंद करते रहे, सत्ताधारी पार्टी के लोग मुझे हमेशा या तो न्यूसेंस या बेकार समझते थे। उसका कारण मुझे लगता है कि यह है कि कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं उत्तर प्रदेश में है और शायद बहुत जगहों पे हैं, जहां सत्ताधारी पार्टियां जो होती हैं वह 19-20 के अंतर पर अब विश्वास नहीं करती हैं, वह 50 और 25 के अंतर पर विश्वास करती हैं, बल्कि अब यह कहिए कि उनकी इच्छा होती है कि उनके सारे लोगों के सारे अपराध गुनाह माफ़ किए जाएं और जो विपक्षी हैं उनके गुनाह उनको उन पर खोज खोज के उन्हें गुनाहगार बनाया जाए। मेरे हाथ से ये कभी हो नहीं पाता था। जो न्याय अन्याय का जो अंतर है, जो परिभाषा है, वह मुझे परेशान करती थी, इसीलिए मैं एक सीमा के बाहर मैं उनको प्रसन्न नहीं कर पाता था। यह भी नहीं था कि मैं सबसे लड़ रहा हूँ, कोशिश करता था सामंजस्य, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, मैनेजमेंट करना, कहते थे हमारे सीनियर की एसपी का काम मैनेजर का है, मैनेज करो ये करो, कोशिश करता था, लेकिन बीच बीच में जो अंदर की हुलाके हैं वह कौंधने ही लगती थी। मेरी समझ में मेरे अंदर या मेरे करियर में जो मुख्य बदलाव मुझे लगता है वो आया सन 2006 में जब मैं एसपी फिरोजाबाद था, और जब वो मुलायम सिंह जी का एक ये घटना घटी, उनके साथ एक घटना घटी, उसमें उन्होंने कहा कि तुम एफआईआर नहीं कराओगे, कोई कार्रवाई नहीं करोगे। मैं जिद पर आमदा रहा कि एफआईआर कराऊंगा, तो उन्होंने कहा कि कराओगे तो विधायक का नाम नहीं लोगे जी। मैंने एफआईआर भी कराया, विधायक का भी नाम लिया, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ और परेशानियां भी झेली। अमिताभ जी कहेंगे वही विधायक तो नहीं है जिनको, जो रेप के आरोपी है उनको बचाने का आरोप आप पर लगा था, कहीं ये वही विधायक तो नहीं है? नहीं, ये उनसे उनका कोई दूर दूर तक सबका नहीं है, वो तो वैसे भी जो है ये वो जो रेप वाले जो जो सांसद हैं उनका वो अलग जगह के रहने वाले हैं, उनका इनसे कोई संबंध दूर दूर तक नहीं, वो एक अलग विधायक थे, इनके रिश्तेदार थे मुलायम सिंह जी के जी। तो उनकी नाराजगी हुई, लेकिन मुझमें उस घटना के बाद से मेरा ये हो गया कि फिर मैं मुझे धीरे धीरे जो अपने को लेकर चिंताएं पहले रहती थी कि मेरा करियर कैसा होगा, और जो मैं बहुत ही ठोक बजा के एक प्रकार से या कुछ हद तक ठोक बजा के चलना चाहता था, नाराज नहीं करना चाहता था, वो मैं मुझे धीरे धीरे कम होने लगा, और जो एक शब्द कहते हैं घामड़, तो मैं कुछ हद तक घामड़ हो गया कि मुझे इस बात की चिंता नहीं रही कि तुम मेरा भला करोगे बुरा करोगे, और मैं कुछ निर्द्वंद भाव से मैं अपनी सेवा करने लगा, ड्यूटी को आप करते गए। सर, मुलायम सिंह की सरकार में आप धरने पर बैठ गए थे, क्या वजह रही है? देखिए, जो धरने की बात है, मैं धरने पर तो बैठा नहीं था, यह जरूर है कि वहाँ दो बार मुझे अपनी बात कहने के लिए एक प्रकार से कहिए कि अपना जो प्रतिरोध था या अपना कष्ट था उसे बताने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास जाके बैठना पड़ा था। एक तो था कि उस समय एक मंत्री थे, उनको लेके वह मंत्री मुझे और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर को फर्जी रेप केस में फंसाने के लिए ऐसी हम लोगों को कहा जा रहा था, ऐसी बात की चर्चाएं थी कि वो प्रयास चल रहा है, उसमें एफआईआर मेरी पत्नी जो लिखवा रही थी नहीं दर्ज हो रहा था जी। तो फिर वो उसमें मुझे और मेरी पत्नी को जाकर डीजीपी ऑफिस के सामने, वहाँ पर हम लोगों ने डीजीपी से मिलने का प्रयास किया, अपनी बात कहने का प्रयास किया, जब उन्होंने नहीं सुना तो हम लोग गेट पर वहाँ बैठे थे जी। दूसरा ये हुआ था कि मैं जब निलंबित कर दिया गया था जी। जब मैंने मुलायम सिंह जी के खिलाफ एक तहरीर किया तो उसके बाद मैं निलंबित कर दिया गया था, उस मेरे बाद जो है 2-3 लोगों को निलंबित किया गया अत्यंत गंभीर आरोपों में, और वो 1-2 महीना में सब बहाल हो गए। तो मैंने ये कहा कि भाई जब तो आप जो जिन पर वास्तविक चार्जेज हैं उनको आप बहाल करते रहे, बदसलूकी का चार्ज है, भ्रष्टाचार का चार्ज है, मुझ पर तो बहुत से बहुत है कि मैंने कोई कथित अनुशासनहीनता की है, तो फिर आप मुझे बहाल करें, मेरी बात नहीं सुनी गई। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया था, जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं वही मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठना चाह रहा था, मुझे बैठने नहीं दिया गया, मुझे बैरंग लौटा दिया गया। अब चूंकि कानून का पालन करना था, मैं अपने घर लौट आया जी। मौजूदा योगी सरकार पर आप हमलावर रहते अक्सर, आप पे कई इल्जाम भी लगे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अब आपने दो प्रश्न कहे, एक तो आपने कहा कि आप पर कई इल्जाम लगे हैं, एक आपने कहा कि आप फलापे हमलावर भी रहते हैं जी। देखिए, पहला तो मैं जो है इल्जाम की बात कहूंगा जी। मैं
एक्चुअली मैं कई बार देखता हूँ, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कि किसी कोई अफसर जो है, जैसे कोई डीजी रहा, ये रहा, आईजी रहा, मुख्य सचिव रहा, उस पर जो है किसी समय किसी ने कोई कार्रवाई कर दी सरकार ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, वो लिखता है कि मेरा बेदाग कैरियर रहा है। जी जी। तो और मैं कभी मुझ पर दाग नहीं लगा, मेरा कैरियर रहा है कि मेरे कैरियर में दाग के अलावा ही कुछ नहीं है। मुझ पर मुझे लगता है कम से कम 8-10 तो विभागीय जांचें हैं, अगणित मेरे खिलाफ विभागीय जांचें, तो फला जांच मुझ पर अच्छा मुकदमे आईपीएस अफसर पर कहाँ मुकदमे होते हैं, मुझ पर बलात्कार का मुकदमा, भ्रष्टाचार का मुकदमा, अभी कुछ जिसमें मैं 7-8 महीने जेल काटाया हूँ, अब जेल रिटर्न हूँ, उसमें किसी अपराधी को बलात्कार के आरोप से बचाने का मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा रामपुर में हुआ। कोई ऐसी धारा नहीं है जो जिस पर मुझ पर मुकदमा नहीं है। इसमें से 3 या 4 मुकदमे जो थे वो ऑलरेडी गलत साबित किए आ चुके हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद भ्रष्टाचार के मुकदमे में पाया गया कि मुझ पर आरोप गलत है, बलात्कार के मुकदमे में पाया गया कि आरोप गलत है। इस बार चूंकि FIR लिखने के पहले ही मुझे अरेस्ट कर लिया, तो उनकी समस्या है कि उस पर जो सच्चाई को नहीं रख पाए, और मेरे साथ साथ मेरी पत्नी पर भी एक FIR लिखवा दिया। ये कहा कि मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर करीब 20 पुलिस वाले आए थे। अब आप जानते मैं 5 फीट 4 इंच का हूँ, मेरी पत्नी भी लगभग इसी हाइट की है, कोई मैं पहलवान टाइप का आदमी नहीं हूँ, वो ठीक ठाक हाइट के ठीक ठाक लोग 24-25 लोग थे पुलिस वाले। जी। अब कह रहे हैं कि मैंने और मेरी पत्नी ने उनको इतना मारा कि उनके चोटें आ गई, जो तो एक पुलिस वाला 10 पे भारी रहता है। यहाँ कह रहे हैं कि 24 पुलिस वालों पर मैं और मेरी पत्नी भारी रह गए। तो अब इस तरह का मुकदमा लिखवाया मेरे खिलाफ, जो एक जांच आयोग का मुकदमा लिखवाया। जी। अब मैं उस पर और अधिक इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वह सब जुडिस जिसको बोलते हैं माननीय न्यायालय में है, उस पर मेरा कुछ कहना कि फर्जी है, गलत है, एक प्रकार से उसको प्रभावित करने जैसा हुआ। मैं मेरी टिप्पणी उस पर न करके मैं यह कहूँगा कि हाँ, उन आरोप तमाम जिन आरोपों का मैंने सामना किया, उसी तरह मेरा यह भी दायित्व हो गया है कि मैं उन आरोपों की सच्चाई को लोगों तक सामने लाऊँ। अगर मैं सफल हुआ, क्योंकि आज के समय में यदि मैं कहता हूँ मुझ पर और मेरी पत्नी, मुझ पर 2 मुकदमों में चार्जशीट है, मेरी पत्नी में पर 1 मुकदमे में चार्जशीट है, आरोप पत्र है, दोनों माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यदि मैं यह साबित करने में सफल होता हूँ कि वो मुकदमे झूठे थे, जी, तब तो मुझे यह कहने का हक है, मैं उस विचार का हूँ, तब तो मुझे यह कहने का हक है कि मैं सही कह रहा था और मुझ पर झूठे मुकदमे लगाए गए। आज के समय सच्चाई यही है कि मुझ पर गंभीर आरोप हैं, मैं उन आरोपों में जेल भेजा गया, पकड़ के जेल भेजा गया, 7 महीने जेल रहा। तो मैं उस जो एक आज के समय कागजों में जो तथ्य हैं उनको स्वीकार करता हूं और यह प्रयास करूंगा। एक व्यक्ति के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं यह प्रयास करूं कि मैं, मुझे जो लगता है कि मैं निर्दोष हूं, उस बात को दुनिया के सामने ला पाऊं, माननीय कोर्ट को कन्विंस कर पाऊं, तब तो मुझे लगेगा। अमिताभ जी, कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे आप? जिस तरह से जब आपको पुलिस अरेस्ट करने आई थी, वो वीडियो तमाम लोगों ने देखा था, वो वाकया तमाम लोगों ने देखा था, कब तक अपने आप को आप बेगुनाह साबित करते रहेंगे? कब तक ये लड़ाई आप लड़ेंगे? और आपको क्या लगता है कि कब तक माननीय न्यायालय आपकी बात सुनेगी? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला यह है कि माननीय न्यायालय मेरी बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी, सुनेगी तो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, ये तो माननीय न्यायालय पे है। हमेशा यह नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कुछ कहता है या दावा करता है या प्रयास करता है तो वो सफल होता है। ऐसे भी दृष्टांत हुए हैं जब कोई व्यक्ति फांसी चढ़ा दिया गया है, फांसी लग गया है, फिल्मों में तो दिखाते हैं कि अंतिम मोमेंट पे मान लीजिए कि जज साहब को फोन आ गया और फांसी रुक गया। हकीकत की जिंदगी में ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि कोई आदमी को फांसी डाल दिया गया, 10 साल बाद मालूम चला कि जिसके मर्डर के लिए डाला गया वो जिंदा है और टहल रहा है। तो न्याय भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स शब्द है, लेकिन सबके बाद भी मेरा यह मानना होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, मेरा पहला यह मानना है कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां न्यायपालिका को सर्वोपरि माना गया है, वह सबके बाद भी श्रेष्ठतम व्यवस्था है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना है। उसमें कमियां हैं जो न्यायिक व्यवस्था में हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो, कमियां हैं, मुझ में कमी है, आप में है, हर 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 चौथे खंभे में, तीसरे खंभे में, पहले तो हर कमियां हैं, मुझ में ढेरों कमियां हैं। मैं कहूं कि मैं दूध का धुला हूं और यह हूं तो कहने से भी नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था यह श्रेष्ठतम है, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी जो न्याय प्रणालिका की व्यवस्था हो,
उसी व्यवस्था में मुझे पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। यदि सफल हुआ तब ठीक, असफल हुआ तब ठीक, सफलता असफलता मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो ईश्वर के हाथ में है। एक चीज जरूर बहूंगा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो मेरा देखिए हर व्यक्ति के लिए, अब मेरे निर्दोष होने न होने में मेरे लिए उद्देश्य बस इतना है कि मुझे कई बार लगता है कि मेरे जैसा आदमी कई बार एक नजीर बन जाता है। अब मेरा निर्दोषी होना, निर्दोष होना मेरे लिए जरूरी तो है ही है, मुझसे प्रेरणा पाने वाले या मेरी ओर देखने वाले तमाम लोगों के लिए भी जरूरी है। यदि मैं निर्दोष साबित होता हूँ तो उनको एक संबल मिलेगा इस बात का कि हाँ मैं भी व्यवस्था से लड़ सकता हूँ। तो एक जो कभी कभी आदमी, जैसे आपने गाइड फिल्म में देखा होगा, गाइड फिल्म में जो राजू था देवानंद, राजू क्या था, लेकिन हालात ने उसको मान लीजिए कि एक बना दिया कि लोग उसके प्रति आस्था रखने लगे, उसे मौत तक गले लगाना पड़ गया। तो मान लीजिए मैं कैसा रहा हूँ क्या हूँ वो सब दीगर बात है, लेकिन इस मुझे महसूस होता है लोगों की निगाहों में, लोगों की आवाज़ में, लोगों की भावनाओं में कि एक एक, एक अच्छी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मुझे एक प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन लोगों के लिए, उनके विश्वास को जीतने के लिए, उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बनाने के लिए मुझे लगता है कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं खुद को निर्दोष साबित कर पाऊँ और सच्चाई लोगों तक ला पाऊँ। लगभग 7 से 8 महीने आप जेल में रहे जी, 7 से 8 महीनों का सफर जेल में कैसा रहा आपका? उसके भी 2-3 पहलू थे। पहला पहलू व्यक्तिगत संघर्षों को लेकर था, चूंकि मुझे लगता है कि मैं एक टारगेटेड कैदी था, मुझे ऐसा लगता है, और मैं इसके तमाम सबूत हैं, मैंने तमाम बातें लिख के दी हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुझे एक लगभग तन्हाई, मैं शब्द प्रयोग करता हूँ लगभग तन्हाई की स्थिति में रखा गया, मैं और 1-2 और कैदी मेरे साथ रखे गए करीब उस बैरिक में जहाँ 50 लोगों का ये था रहने का था। कहा कि आपकी सुरक्षा को लेके है, मैंने कहा था कि सुरक्षा को लेके इतने चिंतित हो, अगर तो छोटे छोटे सेल भी हैं वहाँ पर, तो एक सेल में रख दो, मैं बल्कि वहाँ एक जैसे एक DIG साहब भी थे, मैंने कहा उनके बगल में रख दो, वो मेरे परिचित भी थे जो क्या नाम है जो देव हैं DI साहब, तो वहाँ मुझे नहीं रखा। मैंने कहा कि यहाँ कम से कम उनसे मतलब तो, ऐसा भी तो होगा ना कि आप भी एक IPS अधिकारी हैं, बहुत से वहाँ लोग ऐसे रहेंगे जो आपके कार्यकाल में आपके साथ रहे होंगे, तो क्या उन लोगों ने सुनी आपकी बात इन 7 से 8 महीनों के दौरान जब आप जेल में थे? नहीं देखिए, जो जेल के कर्मी हैं वो हम लोग साथ डायरेक्ट संपर्क में कुछ नहीं लोग तो रहे होंगे ना जो आपको पकड़ करके ले गए होंगे। नहीं, पुलिस वाले नहीं होते, अंदर जेल के कर्मी होते हैं जी, तो जेल के कर्मी पुलिस वालों से सीधे संपर्क में नहीं होते। लेकिन वहाँ यह है कि तमाम जेल के कर्मी यानी जो अधीनस्थ कर्मी थे वह इस बात को समझ रहे थे, जान रहे थे कि मैं टारगेटेड किया जा रहा हूँ, मैं परेशान किया जा रहा हूँ। छोटी छोटी बातों में मुझे जो जो सामान्य चीज़ें जो औसतन सभी लोगों को मिल जाती है, और मैं तो एक सम्मानित व्यक्ति था, इसमें कोई संदेह सम्मान इसीलिए था कि भाई एक IPS अफसर तो था ही था, मान लीजिए रिटायर्ड था, IG रैंक से रिटायर हुआ ही था, तो उतना भर के लिए बहुत था कि मेरी छोटी मोटी जिसको कह सकते हैं, जिसको सहूलियत कह सकते हैं या फिर मान लीजिए कि एक बेसिक एम्यूनिटीज कह सकते हैं दिया था, लेकिन टारगेटेड मैं रहा। यह एक पहलू है, वो तो व्यक्तिगत पहलू है। दूसरा पहलू ये था कि जहाँ मैं खुद प्रताड़ित था, व्यक्तिगत रूप से पीड़ित था, वहीं मेरा स्वभाव, मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मेरे कारण दूसरे भी प्रताड़ित महसूस करने लगते हैं। ये फितरत है, क्योंकि जैसे मैं सेवा में रहा जी, मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया गया, जांच खोली, ये खोली, लेकिन सामने वाले से बात कीजिएगा तो वो कहेगा कि वह हमने क्या प्रताड़ित किया, वह हमको प्रताड़ित करता है। उसका कारण यह है कि मैंने हमेशा एक उंगली व्यवस्था पर उठाई रखी, व्यवस्था की आदत हो गई है कि कोई उंगली उठाता है तो उसकी सच्चाई को जांचना, उसकी सत्यता को जांचना पसंद नहीं करता है। वह पसंद करता है कि उंगली उठाने वाले की उंगली तोड़ दो और कहो कि ये न्यूसेंस है। तो जेल में भी तमाम हमने कमियां देखी, तमाम परेशानियां देखी, कुछ ऐसी परेशानियां थी जो जेल के लोगों के हाथ में नहीं थी। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, आज के समय जेल का जो कैदी है यदि दिन भर काम करता है तो उसे मात्र 25 रुपए का मानदेय सरकार दे रही है जी। मेरा यह मानना है कि जब 300-400 रुपए शायद इसमें बाहर में जो दिहाड़ी मजदूर न्यूनतम है, ऐसे में तुम 8-9 घंटे काम ले रहे हो, सरकार काम ले रही है, और दिन भर में 25 रुपए आप दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सीधे सीधे एक अत्याचार है जी। और वो कैदी हो गया, उसका मतलब नहीं कि आप उससे मुफ्तखोरी कराएं। मैंने जेल अधीक्षक को कहा कि मैं एक पत्र सरकार को लिखना चाह रहा हूँ, इस बिंदु को उठाना चाहता हूँ कि जो हजारों लोग हैं जो जेल में है, और बहुत सारे लोग गरीब हैं जैसे मैं हूँ, मुझे ईश्वर ने कोई आर्थिक कमी नहीं दी है, मुझे 25 रुपया दीजिए न दीजिए अंतर नहीं पड़ता है,
मैंने वहाँ कई ऐसे कैदी देखे, अपनी आंखों से देखे, जिनके लिए वो 25 रुपए भी मायने रखता था, तो उसी में जी रहा है बेचारा, घर बहुत गरीब है, तो उसको अगर 25 रुपए दे रहे हो, दिन भर काम ले रहे हो, तो अत्याचार के अलावा और क्या है। ऐसे ही मान लीजिए सुविधाओं के लिए बज बजाते नालों में आपने भेज दिया, गंदे काम, जैसे तमाम काम जेल के ही लोग करते हैं कैदी, वहाँ तो जेल में बाहर से लगभग कोई नहीं स्टाफ होता है, सारे काम जेल के लोग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप उनको बुनियादी सुविधा तो दें। यदि आप किसी को भेज रहे हैं नाले में, गंदे नाले में, जो जो लेटरिन साफ करने के लिए, तो आप उनको दस्ताने दें, कुछ तो सुविधाएं दें। भाई बिल्कुल हाथ से गंदा उठा रहे हैं, लेटरिन में हाथ से साफ कर रहे हैं, मेरे जैसे आदमी के लिए संभव नहीं था कि मैं उसको बर्दाश्त करूं। मैंने इन बातों के लिए आवाज़ उठाई। तीसरी बात, पिटाई वहाँ जेल में होना, मेरा मानना है कि आप जेल में क्यों, भाई मान लीजिए कि चूंकि मैं अगर जेल में बंद था तो कथित रूप से इसलिए बंद था कि मैंने कानून का कोई वायलेशन किया जी। लेकिन तुमको ये हक किसने दिया है, तुम जेलर हो कुछ भी हो, तुमको ये हक किसने दिया कि तुम उसकी पिटाई करो। अगर उसने गलत किया है तुम उसको जेल मैनुअल में जो प्रावधान है वही ना करोगे, तुम उसकी पिटाई करने लगोगे। मैंने अपनी आंखों से कई बार लोगों को पिटाई करते, लाठियों से पीटते, हाथ से पीटते, गाली गलौज करते, और माँ बहन की गाली तो समझ लिया जाए कि मुझे लगता है कि पुलिस वाले, यह मुझे महसूस हुआ पुलिस वालों को जेल वालों से जो ट्यूटोरियल लेना चाहिए कि गाली कैसे दी जाए। पुलिस वाले जेल वालों की तुलना में मुझे लगता है फिर भी कम गाली जानते हैं। अमिताभ जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप पर एक जो आरोप लगा जिसको लेकर आपको टारगेट किया जाता है, एक रेप आरोपी को बचाने का, क्या कहेंगे आप इस पर? और सब ये जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है इस केस की। देखिए, जो मैंने कुछ देर बाद पहले बात कही, यह आरोप और मुझे घर से उठा लेने पर भी मुझ पर FIR है। इन दोनों आरोपों में मुझ पर पुलिस ने चार्जशीट भेजा है। पुलिस ने कहा है कि मैं इसमें आरोपी हूँ, और कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है जी। इन स्थितियों में मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, जानने वाले जानते हैं, और मैंने देखा कि मैं तो देखता था कि जेल में भी तमाम कैदी जानते थे मैं, उसके बाद कभी कभार मुझे जब कोर्ट ले जाता था वो भी कैदी जानते थे, उनकी आंखों में था, उनके शब्दों में था, उनकी जुबान पे भी था कि मैं गलत फंसाया गया हूँ। लेकिन और वो ये भी जानते थे क्यों फंसाया गया हूँ गलत, कैसे फंसाया गया हूँ गलत। लेकिन इससे अधिक आज के समय उस केस को डिस्कस करना मेरे लिए न्यायिक रूप से उचित नहीं है, सही नहीं है, और मैं अपनी जान भर, मुझ पर तोहमत कोई कितना भी लगावे, मैं अपनी जान भर विधि का उल्लंघन करना, विधिक व्यवस्था का उल्लंघन करना उचित नहीं समझता। यह जरूर है कि विधि के अंदर जो खामियां हैं और मुझे लगता है कि वो खामियां हैं, मैं उनको बोलने का प्रयास करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कोशिश नहीं करता। समस्या ये फंस रही है, मुझे लगता है कि लोग उस, और यह भी मैं नहीं कहता कि मैंने किसी की कोई कमी या खामी बता दी उसको फांसी लगा दो भाई, जिस चीज़ का जितना दंड हो उतना ही दो, उससे कम भी दो, कभी कभार तो तुमको डांट फटकार भी दो। यानी मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी दरोगा ने, आप घर जा रही हैं, आपसे गाली गलौज मान लीजिए कर दिया, दरोगा को डांट भी दिया तब भी आपको संतोष हो जाएगा। अक्सर होता है कि उसको डिफेंड कर लिया जाता है, डिफेंड किया जाता है। तो मेरा ये सिर्फ ये रहता है कि अगर गलत है तो उसकी उसके उसको लेके एक व्यवस्था बने। दूसरा मेरा रहता है कि बड़े और छोटे का अंतर, जेल में हो, जेल के बाहर हो, घर में हो, बाहर हो, इस तरह से ना हो कि जितना भयावह घिनौना लगे कि एक आदमी को तो आपने बिल्कुल जो है सराखों बैठा रखा, दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, तो यह अंतर खत्म होना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी कम से कम एक रीजनेबलनेस के लेवल तक होना चाहिए। यह ना हो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो असहाय सेक्शन है, जिसके मुंह में आवाज नहीं है, जैसे एक फिल्म में जो एक हीरोइन थी उसने कहा कि तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, उस तरह का जिसके जुबान नहीं है जिस आदमी के, और वह आदमी आप उसको पेट जो हर प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो, वह बेचारा बेजुबान है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहा है, तो वह जो स्थितियाँ हैं वह दूर होनी चाहिए। जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं समाज की, हम कहते हैं कि हमें कल्याणकारी सरकार हैं, कल्याणकारी शासन है, शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उन बेजुबानों की जुबान आपको बनना होगा, ईमानदारी से बनना होगा। यह बात मैं कहता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से मेरा, आपने कहा यह सरकार वह सरकार, सरकारें मैंने तो देखा, जैसे आपको आपने देखा वो शोले फिल्म में जो अमिताभ बच्चन थे, वो एक डायलॉग था उसने कहा कि मुझे तो सभी पुलिस वालों का चेहरा एक जैसा लगता है जी। तो ईमानदारी की बात है कि सारी सरकारों की सूरत भी एक जैसी ही होती है। तो क्या अमिताभ ठाकुर को सारी सरकारों की सूरत एक जैसी लगती है?
ये मुझे लगने की बात नहीं है, तो सबको वही लगती है सिवाय उन लोगों के जिनका अपना फायदा हो। जैसे मान लीजिए मैं किसी सरकार का अंग रहूं या मुझे उससे कुछ लाभ मिल रहा हो तो मुझे वह सरकार अच्छी लगेगी, अन्यथा तो जो है जो न्यूट्रल लोग हैं जो निष्पक्ष लोग हैं तो आप जो कोई नृप हो ये हम हूँ क्या हानि वाली बात जो है जी। तो सारी सरकारों में स्थितियाँ तो लगभग एक ही रहती हैं, प्लस माइनस का रहता है। तो व्यवस्था में परिवर्तन की बात जो है जी, मेरी जी। निगाह में वह जरूरी है और उसके लिए मेरे आपके जैसे आप भी जैसे मान लीजिए हैं जो चौथा खंभा है हमारे जैसे सिर फिरे हैं आपके जैसे सिर फिरे हैं हम लोगों की जरूरत है हमें प्रोत्साहित किया जाए। जैसे कहा गया निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छबाए, तो हम लोग को आप लोगों को रखने की जरूरत है। हो ये क्या रहा है आपका हमारा ही गर्दन काट दिया जा रहा है। तो जब निंदक का हम बेईमान निंदक हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारा कोई और मोटिव हो, जैसे माने कहते हैं कि फला फला पार्टी का जुड़ा है जो भी है जी। उसकी निंदा आपको देखिए अगर बल है तो कार्रवाई कीजिए, नहीं बल है इग्नोर कीजिए। आप गर्दन काट दे रहे हैं और यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है कि वो जो किम जोंग जो वहाँ के हैं कोरिया वाले उनकी हालात और हमें नहीं आना है। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, हमने बहुत ही कठिन संघर्ष करके ये व्यवस्था पाई है, उस व्यवस्था को बनाए रखना हम सबों की जिम्मेदारी है और उनकी विशेष जिम्मेदारी है जो शासन में बैठे हुए हैं जी। अमिताभ ठाकुर जी, तमाम बातें हमने की, हम एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि मेरा जीत मुझे सही साबित करना, बेगुनाह जो गुनाह मैंने नहीं किया है उस गुनाह को लोगों को बताना और माननीय न्यायालय को बताना कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने न्याय नहीं किया, उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो इस वक्त लड़ रहे हैं उन गुनाहों से जो उन्होंने नहीं किया, उन सभी के लिए अमिताभ ठाकुर क्या एक ऐसा शब्द करना चाहेंगे कि उनको प्रेरणा मिले और वो अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़े, चाहे वो कोई भी हो। देखिए मेरा यही कहना होगा कि यदि आपको लड़ना है तो आपको परिणाम की चिंता छोड़नी होगी, जीत हार की चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि वास्तव में परिणाम और जीत हार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन शिद्दत से लड़ना आपके हाथ में है। यदि आपको लगता है खुद पर विश्वास है तो आप लड़िए। और एक चीज़ और अंत में कह दूं कि यह बात मैं कोई दिखावटी या फिर एक बनावटी बात की यही बात कहनी चाहिए इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, यह मेरे जीवन का वास्तव में ब्रह्मसूत्र है। मैं कम से कम 100 काम करता हूँ, 90 काम में हारता हूँ और मार भी खाता हूँ, पटका भी जाता हूँ। एक मैंने बहुत पहले पढ़ा था राणा सांगा के लिए एक वाक्य था, 80 घाव लगे हैं तन में फिर भी व्यथा नहीं है मन में। एक एक शब्द है राणा सांगा जिनको हम लोग बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो राणा सांगा मेरे आदर्श है कि मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घाव हैं लेकिन मन में व्यथा नहीं रहती है, फिर भी पलट के लड़ने की हमेशा एक इच्छा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे IPS अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने सिर्फ एक ही सीख दी है, अपनी जो भी लड़ाई हो चाहे वो कोई भी लड़ाई हो शिद्दत से लड़ो, सच या गलत ये ऊपर वाला तय करता है, बस अपनी शिद्दत से अपनी लड़ाई लड़ो। और यही वजह है कि आज अमिताभ ठाकुर इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी लड़ाई शिद्दत से लड़ रहे हैं। हमारे इस खास सेगमेंट पे इतना ही, देखते रहिए Prime TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।